जैसे कि आपसे वादा किया था, कुछ तो नया लेके आऊंगा, कुछ तो अनाउंसमेंट था, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों को जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है उसके ऊपर मैं बता देता हूँ। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हमारे बॉडी में क्या काम करता है और ये फीमेल में होती है या नहीं होती है और इसके परिमाण कितनी होती है, मात्रा में कितनी होती है या फिर उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए नॉर्मल बॉडी के लिए, मेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए कितना होना चाहिए। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक अलग ही हार्मोन है जो कि ना मैं वीडियो में पूरा का पूरा बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना, स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसा दूंगा कोई यूट्यूब पे आपको नहीं देने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो भैया, हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो कि ना आपको दिख रहा होगा। टेस्टोस्टेरोन ये है क्या? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, मतलब पुरुष में पाए जाते हैं। मेल हार्मोन और ये फीमेल हार्मोन क्यों नहीं है उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे, आप वीडियो तो पूरा देखो। तो टेस्टोस्टेरोन मैंने पहले ही बताया ये है मेल हार्मोन, और मेल हार्मोन का काम क्या है? मस्कुलिन नेचर प्रोवाइड करवाना। तो मस्कुलिन नेचर का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि बियर्ड आना बॉडी के ऊपर और बॉयज के ऊपर, इसके ऊपर भी आगे हम लोग बात करेंगे। हर किसी हार्मोन का एक घर होता है, जैसे कि आपका भी है मेरा भी है। ये हार्मोन भी कहीं ना कहीं से तो बनते हैं ना, बन के बाहर आते हैं। तो कहाँ से बन के आते भाई? टेस्टिस नाम सुना है आपने? हाँ, टेस्टिस से ही बन के आता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन प्राइमरीली जो क्लासिफाइड होता है वो होता है एंड्रोजन से, और एंड्रोजन क्या करता है हमारे बॉडी में, वो मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। तो सारे कनेक्शन देखा एक ही साथ है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और उसको क्लासिफाइड करता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन क्या करता है डेवलपमेंट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो हम आ जाते हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस के अंदर भी ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और उसमें प्रोड्यूस होता है स्पर्म। अब स्पर्म सेल्स एक प्रोड्यूस हुआ, और साथ साथ उसके ऑपोजिट में मतलब साथ ही साथ प्रोड्यूस होता है लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स क्या करता है, लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ बात करते हैं और कुछ पार्ट्स के बारे में, जैसे कि वहां पे ट्यूब लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोटिक कॉर्ड, जो कि आपको दिख रहा होगा। और स्पर्मियोटिक कॉर्ड का क्या काम है? स्पर्मियोटिक कॉर्ड का काम है वेन आर्टरीज नर्व्स इनको ब्लड सप्लाई करना टेस्टिस तक, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये सब वेन आर्टरीज नर्व, और उसी में से ब्लड सप्लाई होता है टेस्टिस में। और वहां पे और एक ट्यूब होता है, कंटेन ट्यूब होता है, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वास डिफेंस, और उस वास डिफेंस का क्या है ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल्स, जो स्पर्म वहां से बन रही है वो होती है स्पर्म सेल आउट होती है फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से निकल के आती है। और लिडिक सेल जो अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है और वो जाती है ब्लड स्ट्रीम में लाइक वेन्स आर्टरीज और नर्व्स, इनमें जाती है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में लिडिक सेल जो अपना टेस्टोस्टेरोन उनमें डायरेक्ट चली जाती है। बात करते हैं क्या टेस्टोस्टेरोन सिर्फ टेस्टिस से ही बनते हैं, और कहीं से नहीं बन सकते? हाँ जरूर बन सकते हैं। अब कहां से बन सकते हैं इसके ऊपर छोटे मात्रा में बनते हैं बहुत जगह पे, मगर अगर टेस्टिस के बाद अगर कहीं पे बन रहा है वो है एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड पे क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके बारे में थोड़े से बाद में बात करते हैं। अब एड्रिनल जो ग्लैंड है इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूं। एड्रिनल, रिनल मतलब आपको पता है किडनी, और एड का मतलब होता है न्यूरोबिसाइड्स, जो कि ना आप थोड़ा सा आप लेवल पे पढ़ोगे तो एड्रिनल ग्लैंड का जो पोजीशन है वो जस्ट नेक्स्ट टू द किडनी या अपर टू द किडनी, बहुत लोगों को पता ही है और डायग्राम भी देख रहे हो याद रहेगा आपको। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, ये सेंट्रल पोर्शन है एड्रिनल मेडुला के, ठीक है, और अदर पोर्शन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स, दो पोर्शन होते हैं एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ ये वाला कहां से निकलता है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही ये निकलता है, और जो कि ना मेल में भी निकलता है फीमेल में भी निकलता है। तो मेल में अगर टेस्टिस अलग से है तो वो तो निकल ही रहा है, और फीमेल में सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, तो उसमें कितना परसेंट निकलता है बताए? ओनली एंड ओनली 5%, सिर्फ 5% निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि ना मेल फीमेल दोनों में निकलते हैं, और वो फीमेल में सिर्फ 5% आते हैं। अब ये इतना कम क्यों, आपको पता है फीमेल में कोई मस्कुलिन कैरेक्टर इतना चाहिए नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी डेवलप्ड ही ऐसे होती है कि वो फीमेल की बॉडी अलग से दिख जाए,
और वैसे भी फीमेल में इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि ना फीमेल बॉडी में काम करता है जो कि ना मेल में कम होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए भाई, क्योंकि अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है तो फीमेल में भी तो फीमेल हार्मोन होना चाहिए ना, वो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसके बारे में किसी दिन और एक टॉपिक लेके आएंगे। आज फीमेल को साइड में रखते हैं, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं मेन बात, इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑन आवर बॉडी, लाइक फीमेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्या होता है। तो मेल्स में आपको पता ही है, इतने देर से मैं बोल ही रहा हूँ, मस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें क्या पेनिस आता है, स्टोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड अदर मेल जेनिटल डक्ट्स, ठीक है, आपको ये सब चीज तो पता ही होगा क्योंकि मेल में ये सब चीज तो होता ही है और ये प्राइमरीली होता है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आफ्टर बर्थ से लेके चाइल्ड तक, लाइक 10 to 13 years, ये जो टाइम होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी टाइम, ठीक है। इस टाइम क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रमोट करता है मेल ग्रोथ स्पॉट ड्यूरिंग द टीनेज, इसके साथ साथ इन्फ्लुएंस करता है टेस्टोस्टेरोन बोन थिकनेस को एंड डेंसिटी को, ये भी मेल हार्मोन में मेल को सपोर्ट करता है, इवन शेप ऑफ द मेल पेल्विक ऑल्सो, आपको पता है फीमेल पेल्विक अलग होती है, मेल पेल्विक भी अलग होती है, तो जो मेल पेल्विक का शेप है वो इस टेस्टोस्टेरोन के वजह से ही आता है। टेस्टोस्टेरोन और भी काम कर सकता है, लाइक ये इंक्रीज कर सकता है आपको मेटाबॉलिज्म को भी, 10 to 15% आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज कर सकता है गुड टेस्टोस्टेरोन, मतलब आप समझ जाओ। और इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक रेट, इसका जो सीधा इफेक्ट मेटाबॉलिक रेट पे जाता है, और मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, लिंक्ड होता है एनाबॉलिक रेट और इफेक्ट के ऊपर ऑन द स्केलेटल मसल और स्केलेटल टिश्यू, ये और एक फंक्शन हो गया, समझ गया ना, स्केलेटल मसल टिश्यू पे भी इसका इफेक्ट आता है। जैसे कि बोल रहा हूं स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल को भी ये प्रमोट करता है एनलार्जमेंट, लाइक एनलार्ज कर देता है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग, लाइक प्यूबर्टी जो फेज बोला ना उस टाइम पे भी तो बोन बढ़ती है ना, तो उस टाइम पे बोन का जो बढ़ना वो भी डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। सो आफ्टर प्यूबर्टी 40 to 50% इंक्रीज मसल मास टू द विच ऑकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी विन द फीमेल्स, सो फीमेल्स में क्या होता है उस प्यूबर्टी के टाइम पे मसल ज्यादा लगता है, लाइक मेल से ज्यादा मसल फीमेल्स में जाती है 40 to 50%। जो टेस्टोस्टेरोन है ये अपना आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल इसको भी इंक्रीज कर देता है, कैसे करता है वो भी आपको बताता हूँ, उससे पहले बताता हूँ कितना इंक्रीज करता है, ये 15 to 20% इंक्रीज करता है नंबर ऑफ द आरबीसी टेस्टोस्टेरोन के वजह से, अगर इसको इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली तो, डायरेक्टली तो ये शो नहीं करता है मगर इनडायरेक्टली ये शो करता है, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट करते हैं उसके साथ साथ ये कोई इंक्रीजमेंट नहीं दिखाता, लाइक कोई चेंजेस नहीं है, और इसके साथ साथ डिड नॉट सी एनी इंक्रीज इन हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या है उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, तो एरिथ्रोपोएटिन पे कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मगर ये एरिथ्रोपोएटिन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्मोन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ द आरबीसी प्रोडक्शन, सो जो एरिथ्रोपोएटिन पे ये तो दिखा नहीं रहा है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, मगर फिर भी स्टिमुलेट कर देता है आरबीसी प्रोडक्शन को, ये कैसे होता है आई डोंट नो, मगर शायद मैं पढ़ के कभी अगर पढ़ लिया तो फिर आपको बता दूंगा। और टेस्टोस्टेरोन इंक्रीजेस स्पर्म प्रोडक्शन, इसका तो मेन ही काम वही है ना कि उसमें जाता है ब्लड में जाता है और उसके साथ साथ स्पर्म को भी बढ़ा देता है स्पर्म प्रोडक्शन, और ये जो है प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर को डिफाइन करता है, यही पे आता है मेन फंक्शन, मेल फीमेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं उनमें जो प्राइमरी और सेकेंडरी बनते हैं वो डिफाइन करता है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन अगर प्राइमरी की बात करें तो पेनिस, टेस्टिस, स्टोटम यही सब बनाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और इंक्रीजेस साइज अबाउट द 8-fold व्हिच मेनी टीनेजर्स मेल क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। हाँ आपको पता ही होगा भाई मेल लोग में एक्साइटमेंट तो पैदा ही करती है टीनेज में, है ना, और साथ में सेकेंडरी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए जैसे कि हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अब हेयर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, जब देखना प्यूबर्टी से थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये फेशियल हेयर आता है, चेस्ट हेयर आता है, एब्डोमिनल हेयर आता है, एक्सिलरी हेयर आता है, पीबिक हेयर आता है, हेयर ऑन द बैक ऑल्सो, अगर बहुत लोगों को देखना पीठ पे बहुत ज्यादा एकदम से आ जाता है बाल, तो उसमें क्या होता है वो सभी टेस्टोस्टेरोन का कमाल है भाई। और इसके साथ साथ वॉइस नोट चेंज होता है, यही मैंने पॉइंट सबसे पहले बताया था, अगर आपका वॉइस नोट थोड़ा हार्ड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से, और कैसे हो रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है एनलार्ज कर देता है लैरिंग्स को,
और लैरिंग्स जब भी इनलर्ज होता है तो उसका जो वॉइस है वो डीपर वॉइस बन जाता है, सो इसीलिए वॉइस चेंज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी। और टेस्टोस्टेरोन का जो आखिरी बट द नॉट लीस्ट लिस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है कि मेल जो स्किन है मतलब मेल फीमेल दोनों में ये काम आता है, जो स्किन है वो स्किन थिकर हो जाती है, टफर हो जाती है, मोर रूप्ड हो जाती है एंड मोर डिजायरेबल। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बताते हैं कि फीमेल्स में आखिर में क्या क्या काम करती है। देखो भाई, पहले ही बता रखा है कि फीमेल्स में ऐसे ही कम प्रोड्यूस होती है, कम प्रोड्यूस होगी तो क्या क्या काम कर सकती है। अब सोच लो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कुछ कुछ जैसे कि 5% अगर उसमें से सिक्रेट हो रहा है तो 5% का क्या क्या काम हो सकता है बताओ। नहीं बता, देखो मेनली बेसिकली हेयर, हेयर के बारे में अभी भी बताया तो पीव्यू केयर एक्सिलरी हेयर ये तो आ ही सकते हैं, और उसके साथ साथ ये इन्फ्लुएंस करते हैं बोन हेल्थ को, लिपिड मूड, इवन फॉलिकुलर डेवलपमेंट विद ओवरीज, टिश्यू मेंटेन जो कि मैं पहले ही बता रखा है। और फीमेल में जैसे कि इस्ट्रोजन का ज्यादा रोल है तो बोन हेल्थ में वो पूरा काम करती है इस्ट्रोजन। अब अगर कोई मेल में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है तो क्या होगा, अगर फीमेल में ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, अगर मेल में ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बियर्ड मतलब बहुत घनी आ जाएगी, पूरे हेयर हेयर हो जाएंगे, पूरे बॉडी हेयर हेयर हो जाएंगे, यही होगा। अगर कोई फीमेल में रहता है वही सेम चीज होगा भैया, कैसे होगा, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन कर देता है एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो निकलती है टेस्टोस्टेरोन, वो अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है तो कि ना इसमें एक्सेसिव लाइक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और साथ में मस्कुलिन इफेक्ट भी आ सकता है, और साथ में सफर कर सकती है सबसे बड़ी एक डिजीज वो है PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि ना मल्टीपल डिजीज को लेके आती है इसलिए इसको सिंड्रोम बोलते हैं। सो ये भी हो सकता है अगर ओवर सेक्रेशन इन फीमेल्स हुआ तो। अब आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना होता है देख सकते हो, मेल का 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, अगर इसको नैनो मोल्स में किया जाए तो 10 टू 35 नैनो मोल्स पर लीटर, और फीमेल्स में वही देखो कितना कम, वो 300 और यहाँ पर देखो 15 टू 17 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, और अगर नैनो मोल में रहते हैं तो 0.5 टू 2.4 नैनो मोल पर लीटर। तो कैसा लगा आपको इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में, आपको क्या पता था, अगर नहीं पता था प्लीज कमेंट में बताना, अगर पता था वो भी कमेंट में बता सकते हो। मिलता हूँ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जो कि ना आपको बहुत ज्यादा एकदम हेल्पफुल हो सकता है, और उसके साथ साथ डिजीज उसके साथ साथ जितने भी चीज होगा रिलेटेड जो कॉमनली हो सकता है वो सब कुछ आपको बताऊंगा। अरे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यही बोलना चाहता हूँ, कर लो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।